Hi guys, welcome back to my channel. Have you tried everything but still your face is not glowing? मतलब कौन नहीं चाहता that clear and glowy skin जो मतलब हर किसी की you know final destination होती है कि कभी मेरी skin वैसी हो. But अगर आप हर चीज़ use करके थक गए और सोचते हम क्या अब ऐसा कर लो अपने face पे कि you know you will get that glowy and dewy finish. तो आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ 8 tips. So let's get started. ये जो scrub है वो normal to dry skin के लिए बहुत ही अच्छा है. इसके लिए आपने चाहिए कोकोनट ऑयल एंड कॉफ़ी. रेशियो जो होगा 2:1 में होगा. यू नीड टू मिक्स इट वेरी वेल फॉर अराउंड 30-40 सेकेंड एंड मसाज इट इन सर्कुलर मोशन. इट विल हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन एंड रिमूविंग डेड सेल्स. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रब यू विल गेट इन द मार्केट बिकॉज अभी तक मैंने मार्केट के भी जितने स्क्रब यूज़ करे हैं दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कैन एवर आस्क फॉर. Now for oily skin people, you need to replace this coconut oil with your regular face wash and mix it with coffee. And yeah, ये भी आपको बहुत ही amazing result देगा as you can see. Now I am going to share 2 face pack for my dry skin people. Now for this face pack, you will need 1 spoon malai, 1 chutki haldi, and few drops of lemon. Mix it very well and massage it all, and apply it on all over your face. Now this malai will make your skin softer, moisturize it and hydrate it. Or matlab dry skin ko isse zyada kuch chahiye bhi nahi for that glowy skin, right? So as you can see. Now for this you will need coconut oil and few drops of lemon. Massage it gently and आपने इसको अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना है. और आप जब मॉर्निंग में उठोगे आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई नज़र आएगी. इसके लिए आपने रात में इस सीरम और वट एवर यू वॉन्ट से इसको अच्छे से मसाज करना है, बहुत ही अच्छे से. यू नीड टू टेक एटलीस्ट 5-10 मिनट्स फॉर मसाज. एंड हाँ, इसको मसाज करके आप सो जाओ एंड सुबह में यू विल गेट दैट यू ग्लोई एंड ड्यूई स्किन. Now again I am going to share 2 face pack for my oily skin people. Now for that you need 1 tablespoon honey. मैं डायरेक्ट ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई एम सो लेज़ी फॉर दैट. एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. यू कैन यूज लेमन बट मैं यहाँ वाटर ही यूज़ कर रही हूँ. मिक्स इट वेल एंड अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस. अब ऑयली स्किन के साथ जो सीरियस पंगा है वो ये है कि दे डोंट नीड दैट मच मॉइस्चर बट दे नीड इट. इट्स नॉट लाइक अगर उनकी स्किन सिक्रेट कर रही है ऑयल तो उनको जो है मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है. फॉर दैट हनी जो है आपको मॉइस्चर भी देगा बट नॉट दैट मच कि आपकी जो स्किन है वो बहुत चिपचिपा फील करे. सो या अप्लाई इट जो भी है अच्छे से एंड रिमूव इट आफ्टर 15-20 मिनट्स एंड या यू विल गेट दिस ग्लोई स्किन. फॉर सेकेंड फेस पैक आपने चाहिए नीम पाउडर 1 टेबल स्पून एंड 1/4 टेबल स्पून हनी. मैं कप में ही इसको मिक्स कर रही हूँ बिकॉज एज यू नो आई एम लेजी. And mix it well and apply it all over your face. Now what this neem will do कि आपके skin को जो आपके pores को बहुत ही अच्छे से clean करेगा क्योंकि oily skin बहुत ही ज़्यादा oil secrete करता है. इसलिए वो बहुत ही अच्छे से उसको जो है remove कर देगा आपके excess oil को. And then honey जो है वो moisturize करे आपके face को, जो कि मतलब moisturizer जो है वो हर किसी को चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम. तो oily skin को मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए बट चाहिए. एंड आफ्टर 10-15 मिनट्स वॉश इट वेल एंड यू विल गेट दिस ग्लोई स्किन. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर 2 टिप्स फॉर ग्लोई स्किन. नाउ फर्स्ट वन इज अप्लाई आइस क्यूब ऑल ओवर योर फेस. ये जो है आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करता है और बहुत सारे चीज़ों के फ़ायदे हैं जो कि मैंने एक और वीडियो बना रखा है, यू कैन वॉच इट. बट यहाँ इससे क्या होता है कि आप अगर मेकअप कहीं भी आप जाने वाले हो और उससे पहले आपने अगर इस आइस से जो अपने फेस को अच्छे से मसाज किया तो इससे क्या होता है आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे भी करता है और बहुत ग्लोई स्किन देता है एज यू कैन सी.
Now last one is having lots and lots of water, because ये जो आपको hydrate रखेगा, इसलिए आपकी skin जो है वो glow करेगा और toxin को flush out करेगा, which is very 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 important for glowy skin. So yeah, have lots and lots of water. And I hope you will like it, and if you did, then please tell me in the comment section. Bye.